कोटा चंबल नदी में हादसा बुधवार सुबह 9 बजे हुआ। कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने डूब रहे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नदी के तेज बहाव में बह गए। ज्यादातर लोग कमलेश्वर धाम जाने के लिए नाव में बैठे थे। कोटा जिले के इटावा के पास चंबल नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव निकाले जा चुके हैं। 3 लोग लापता हैं। हादसा बुधवार सुबह 9 बजे हुआ। मृतकों में 6 पुरुष, 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। नाव चलाने वाला तैरकर बाहर निकल आया। नाव 25 लोगों का भार उठा सकती थी, लेकिन उसमें 40 लोग सवार थे। यही नहीं,